हरे कृष्णा। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज आपको क्या सावधानियां बरतनी है, उपाय क्या करने हैं, और आज आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, आज शुभ रंग क्या होगा, सारी बातें बताएंगे। आपका किस फील्ड में भाग्योदय होगा, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, घर में किलकारी गूंजेगी या सहनाई बजेगी, भूमि खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, क्या करेंगे, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपके मन में यदि ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है, तो आप इनबॉक्स में जाके अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और प्रश्न लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कि जो मेष राशि के जातक हैं आज आपका दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपकी आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, देश दुनिया में भ्रमण का योग बनेगा, देशाटन तीर्थाटन का भी प्रबल योग है। यदि आप किसी भी नए प्रकार के कार्य की योजना बना रहे हैं, कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा कार्य कर ले, कोई कंपनी बना ले, तो वह सारी चीजें होने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। प्रयासरत कार्यों में आपकी बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आपने भूमि, भवन, गाड़ी इत्यादि खरीदने के आपने प्लान कर रखा है, बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, भूमि नहीं है, तो ये सारे भूमि भवन होने का योग बन रहा है। आज आपका समय अनुकूल है तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। माली हालत अच्छी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, सरकारी नौकरी मिल सकती है, और आज आपको पदोन्नत की भी संभावना बन रही है। जहां आप कार्य करते हैं, आपके अधीनस्थ या उच्चस्थ जो भी आपके सहयोगी होंगे, सबसे आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, और आज मानसिक रूप से आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। आज आप काफ़ी अपने को ऊर्जावान महसूस करेंगे, और घर में यदि कोई व्यक्ति या भाई, आपका भाई या बहन में कोई अविवाहित है, तो उसके शुभ समाचार मिलने की भी संभावना दिख रही है। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, घर के लिए कुलदीपक होंगे, घर को आगे बढ़ाने में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भाग्यशाली आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, माता के सहयोग से सारा कार्य संपन्न होगा। यदि आप कोई भी नए कार्य के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके ही कार्य की शुरुआत करें, और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो अपने गुरुजन हैं, बंधु बांधव हैं, जो बड़े हैं, जो आपके वेलविशर हैं, बगैर उनके सलाह के कार्य की शुरुआत न करें, और जल्दबाजी में भी किसी कार्य को न करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी को भी नौकरी मिल सकती है, और आज आप बहुत दिन से जो आपकी परेशानियां चल रही हैं सारी परेशानियां समाप्त होने का योग बन रहा है। भाग्य आपका अनुकूल है, आय और व्यय पर थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करें। खर्चे बहुत हो सकते हैं जिससे मन आपका तनाव में आ सकता है, तो खर्च पर नियंत्रण करें। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी कार्य करना है तो बगैर अपने बड़ों के सहयोग से, बड़ों के बगैर राय के बिना कोई कार्य की शुरुआत न करें। आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय आज आपको ये करना है कि लाल वस्तु का दान करें और गौशाला में जाके अपने हाथ से गाय को रोटी और गुड़ खिलावें, चिड़ियों को दाना खिलावें। आपके लिए अगर हो सके तो गरीबों की जरूर मदद करें। आपके लिए शुभ अंक 1 है और शुभ रंग पीच कलर है।